हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अ बोट विच हैज अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉसेज अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन 15 मिनट्स। तो ये रिवर है, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि रिवर की वेलोसिटी है वी आर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमें कितनी गिवन है? दिस इज गिवन 5 किलोमीटर पर आर। हमें दिया हुआ है कि बोट क्या कर रही है, इस रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉस कर रही है। इस एंगल को थीटा ले लेते हैं, तो यहाँ पे वी बी आर कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू विड्थ अपॉन टाइम। यहाँ पे विड्थ है 1 किलोमीटर, तो ये होगा विड्थ अपॉन टाइम। विड्थ है 1 किलोमीटर एंड टाइम कितना लग रहा है इसको क्रॉस करने में? 15 मिनट्स, यानी कि 1/4 आवर्स। ठीक है, कितना लग रहा है? 1/4 आवर। तो ये हो गया 4 किलोमीटर पर आर। और वी बी आर की वैल्यू हमें गिवन है 5 है, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है 4/5। अगर कॉस थीटा 4/5 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 3/5। करेक्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर वाटर यानी कि वी आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वी आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी? वी आर विल बी इक्वल टू वी बी आर का साइन थीटा कंपोनेंट, वी बी आर साइन थीटा। तो वी बी आर की वैल्यू पता है 5 है, साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 3/5 है। तो ये वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर की 3 किलोमीटर पर आर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।